तो दोस्तों अपना देखो अंडा राइस बनके हो गए तैयार, बहुत ही मज़ेदार तो दोस्तों बन गया। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी एक फिर से नई वीडियो में। तो दोस्तों आज अपना प्लान है अंडा भुर्जी बनाने का दोस्तों, ठीक है। 12 अंडे लेके आए और 11 अंडे की अंडा भुर्जी बनाएंगे अपन, ठीक है। दोस्तों आग ही अपनी जल चुकी है तो पहले अपन चावल उबाल लेते हैं, ताकि चावल के साथ अंडा भुर्जी बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेगी दोस्तों, ठीक है। तो पहले अपन चावल उबाल लेते हैं, तब तक अपन प्याज मिर्ची अपनी काट लेते हैं और दोस्तों फिर आपको बताते वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बन रही है दोस्तों, मज़ा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करो। तो दोस्तों पानी अपन पहले रख देते हैं अपने चूल्हे पे उबालने के लिए, थोड़ा सा उबल जाएगा फिर अपन इसमें चावल डालेंगे और अपना चावल अच्छे से बन जाएंगे, तब तक अपनी प्याज मिर्ची काट लेते हैं। तो दोस्तों पानी अपना गर्म हो गया है, अब अपन इसमें चावल डाल देते हैं दोस्तों, अच्छे से चावल बॉयल हो जाएगा। अब थोड़ा सा तेल डाल देंगे, इससे क्या चावल खिले खिले रहते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें। तो दोस्तों अपना चावल जब तक उबाल रहे हैं तब तक अपन अपनी प्याज काट लेते हैं। दोस्तों लाइक करने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों मैं टमाटर लेके आया हूँ और तुम्हें टमाटर का रेट पता है, मैं बढ़िया अंडा भुर्जी बनाऊँगा, टमाटर लेके आया हूँ, इसलिए लाइक बनना, लाइक करो। तो दोस्तों प्याज अपन ने काट ली है, अब मिर्ची काट लेते हैं, तो अपनी चावल भी अपने बॉयल होने वाले हैं। दोस्तों मिर्ची काट लेते हैं अपन, थोड़ा ऐसे लंबे लंबे में काट रहे हैं पर कैसे भी काट सकते हैं, मैं तो थोड़ा डिजाइन करके काट रहा हूँ। तो चावल देखो अपने बॉयल हो गए हैं, अब अपन इनको उतार लेते हैं जल्दी से, अब इनको जल्दी से अपन इसमें निकाल लेते हैं। बॉयल हो चुके हैं, अच्छे से बॉयल हो गए, अब अपन इनमें निकाल लेते हैं थोड़ा अच्छे से और इनको ठंडे होने। तो दोस्तों आज अपनी जल्दी अपन इसको तवा भी रख लेते हैं और अपन अंडा भुर्जी की करते हैं तैयारी। दोस्तों तेल डाल लेते हैं, तवा अपना गर्म हो गया है। दोस्तों तेल अपना गर्म हो चुका है, अब अपन इसमें अपनी प्याज मिर्ची डाल लेते हैं। प्याज को कुछ इस तरीके से मल लेंगे ताकि अच्छे से अपने दुखा जाए प्याज। दोस्तों अच्छे से अपन अपनी प्याज भून लेते हैं इसमें। दोस्तों टमाटर अपन काट लेते हैं क्योंकि प्याज अपनी भूनने वाली है, टमाटर बहुत महंगे हैं, काटने में भी डर लग रहा है। दोस्तों टमाटर अपन इसमें डाल लेते हैं, तो अदरक लहसुन इसमें डाल लेते हैं। दोस्तों अच्छे से मिला लेते हैं, आप डालते हैं अपन इसमें अंडे, अपन इसमें अंडे डाल लेते हैं, आप गिनिए कितने अंडे हो रहे हैं। दोस्तों 11 अंडे हो चुके हैं। दोस्तों अभी पहले तो अपन इसमें नमक डालना है, बाकी सारे मसाले थोड़ा बाद में डालेंगे। सारे अंडे अच्छे से भुन जाए, आमलेट जैसी हो जाए, फिर अपन इसमें पूरे वेजिटेबल मिला लेंगे। दोस्तों रेड चिल्ली है ये कश्मीरी मिर्च, सिर्फ कलर वाली है, ज़्यादा तीखी नहीं है, ये भी अपन इसमें डाल लेते हैं। ना वो पहले डाला था थोड़ी, अभी थोड़ा सा अभी डाल लेते हैं। हल्दी डालना ज़रूरी है ताकि हल्दी से अच्छा कलर बन जाता है। मिर्ची अपन डाल ही चुके हैं, थोड़ा सा डालें इसमें गरम मसाला, गरम मसाला से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जी देखो कितने मस्त तरीके से भर रही है, बहुत अच्छा इसमें से खुशबू आने लगी है दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं की तो जल्दी से लाइक करो। अब अपन इसके ऊपर क्या चावल डाल लेंगे ताकि बहुत अच्छे से अपना खाने के लिए बन जाए और बहुत मज़ेदार आ जाएगा। दोस्तों पहले अपन थोड़ी सी इसमें निकाल लेते हैं क्योंकि चावल के ऊपर से डालेंगे, बाकी अपन इसमें अपने चावल मिला लेते हैं। दोस्तों चावल अपन इसमें अच्छे से मिला लेते हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है यार। दोस्तों बढ़िया अच्छे से मिला लेते हैं और सबसे मेन चीज़ बताऊं दोस्तों, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब आगे पूरी निकाल लो। दोस्तों धनिया इसमें डाल लेते हैं अच्छे से पूरे में ताकि फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाए। दोस्तों नींबू डाल लेंगे इसमें, नींबू से बहुत बढ़िया फ्लेवर अपना आ जाएगा। दोस्तों ये देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी बन गई है और खुशबू तो इतनी शानदार आ रही है।
मसाले इसमें डाल दे। तो दोस्तों अपना देखो अंडा राइस बनके हो गए तैयार, बहुत ही मज़ेदार। तो दोस्तों बन गया, आप इसमें देखो थोड़ा, बहुत ही मज़ेदार और खुशबू बहुत शानदार आ रही है इसमें से।